ब्रिंग का मतलब होता है लाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोट। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है बिल्ड और थर्ड फॉर्म होती है बिल्ड। ब्रश, ब्रश का मतलब होता है झाड़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रस्ट और थर्ड फॉर्म होती है ब्रस्ट। बर्न का मतलब होता है जलाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है बर्न्ड, थर्ड फॉर्म होती है बर्न्ड। भस्ट का मतलब होता है फोड़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म भी होती है भस्ट और थर्ड फॉर्म भी होती है भस्ट। बैरी, बैरी का मतलब होता है गाड़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है बैरिड और थर्ड फॉर्म होती है बैरी। बाय का मतलब होता है खरीदना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर्ड और थर्ड फॉर्म होती है बोर्ड। कैलकुलेट का मतलब होता है हिसाब लगाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कैलकुलेटेड और थर्ड फॉर्म होती है कैलकुलेटेड। कॉल का मतलब होता है पुकारना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड और थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। कन्वेंस का मतलब होता है वोट मांगना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कन्वेंस्ड और थर्ड फॉर्म होती है कन्वेंस्ड। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कैप्चर्ड और थर्ड फॉर्म होती है कैप्चर्ड। करेस का मतलब होता है दुलार करना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है क्रेस्ड और थर्ड फॉर्म होती है क्रेस्ड। कैरी का मतलब होता है ले जाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कैरीड और थर्ड फॉर्म होती है कैरीड। कास्ट का मतलब होता है ढालना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कास्ट और थर्ड फॉर्म होती है कास्ट। कैच का मतलब होता है पकड़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कोट और थर्ड फॉर्म होती है कोट। कॉज का मतलब होता है कारण होना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉज्ड और थर्ड फॉर्म होती है कॉज्ड। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है सेलिब्रेटेड और थर्ड फॉर्म होती है सेलिब्रेटेड। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है चैलेंज्ड और थर्ड फॉर्म होती है चैलेंज्ड। चेंज का मतलब होता है बदलना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है चेंज्ड और थर्ड फॉर्म होती है चेंज्ड। चार्ज, चार्ज का मतलब तो आपको पता होगा, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है चार्ज और थर्ड फॉर्म होती है चार्ज।